वक्त हमारे साथ अनिल हैं हिसार से फोन लाइन पर। अनिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। एक किसान हूँ जी, कपास के बारे में पूछना था, ये रखूं या बेच दूं। ओके चलिए, हमारे साथ अजय भी हैं। अजय, कपास को लेकर अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 1% की मजबूती आज देखने को मिली है, क्या करना चाहिए इसमें? अब देखिए, कपास में एज सच पिछले अगर एक महीने से देखें तो कुछ खास डायरेक्शन है नहीं, एक दायरे में कारोबार अभी भी चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर एक अगले एक महीने की बात करें तो मुझे लग नहीं रहा ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मार्केट लेगा। दायरे में कारोबार जारी रहना चाहिए, अगर उससे बड़ा आउटलुक है तो प्रॉबेबली हम बड़े रिबाउंड की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एज सच अब तक कोई ऐसे हमें सिग्नल मिल नहीं रहा। अगले दर्शक हैं अक्षय जैन जो कि एमपी से जुड़े हैं। अक्षय बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैम, जीरे के बारे में पता करना था। खरीदना चाह रहे हैं क्या? मैम मुझे जीरे के बारे में पता करना था। ठीक है, जीरे पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो जान लेते हैं। आस्था, आज 1.5% तक की मजबूती है इंसिटेक्स पर, क्या लगता है आगे चाल कैसी रह सकती है? जीरे की बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं, एक्सपोर्ट इंक्वायरीज भी निकल के आ रही है, इसलिए ऐसा लगता है 18,900 से 19,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये चाहें तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। तो जो बाइंग का लेवल रहेगा वो 18,400 का रहेगा, स्टॉप लॉस 18,000 का रहेगा, टारगेट ये 19,000 का रख सकते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में। महेश है इस वक्त अगले दर्शक फोन लाइन पर पंजाब से। महेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, महेश बोल रहा हूँ बहर पंजाब से। बताइए मैडम, मैं आस्था मैम का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और जी। मैंने इनकी जो भी कॉल है, मैंने जब भी काम किया है तो मैंने प्रॉफिट ही कमाया इनके 100% क्या 1000% कॉल सही जाती है। ठीक है। आज तो आज क्या सवाल है आपका? क्रूड ऑयल कल बाय किया था मैंने 3440 पे, तो निकाल दिया था मैंने। अब मैं किस लेवल पे एंट्री करूँ दोबारा क्रूड ऑयल के बारे में? ठीक है आस्था, आपका जो स्ट्राइक रेट है काफी अच्छा है ऐसा ये मानते हैं, और इसलिए आपसे दोबारा सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। क्रूड से इन्होंने शॉर्ट किया, निकले, लेकिन फिर से अगर एंट्री लेनी हो तो कौन से लेवल पर दोबारा खरीदारी की जा सकती है? क्रूड की अगर हम बात करें तो 3440 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस कमोडिटी का है, और आज ये वहीं से वापस से रिबाउंड हुआ है, इसलिए मैं इन्हें सलाह दूंगी कि अभी थोड़ा सा वेट करें, नीचे आता है 3350 के स्तर के आसपास तब वापस से बाइंग करें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। 3270 के एक स्टॉप लॉस के साथ वापस से अपनी पोजिशन में ये बाइंग कर सकते हैं 3440 के टारगेट के लिए। तो 3440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, एक स्टॉप लॉस आपको 3270 का रखना होगा, खरीदारी की सलाह है 3350 पर। मंजू है बाड़मेर से इस वक्त फोन लाइन पर। मंजू जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा जिंक सेल है 158 रुपए पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, बहुत हेवी रेट हो गया है, आगे आ गया है, मेरा बहुत जा रही हूँ लॉस में। ठीक है, 158 काफी ऊपर इन्होंने खरीद लिया है, हालांकि आज मजबूती जरूर है 1.5% की। अजय क्या करना चाहिए जिंक पे? एमसीएक्स जिंक में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब देखिए, जिंक में अगर ओवरऑल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो मंदी नहीं है, अगर डेफिनेटली शॉर्ट टर्म देखे तो प्रॉबेबली 181 तक करेक्शन आ सकता है नीचे, और अगर 181 के नीचे भी सस्टेन किया तो प्रॉबेबली इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें 175 का लेवल देखने मिल सकता है। मुझे फिलहाल तो नहीं लगता है कि फिर से 160 के नीचे जाएगा, ओवरऑल ट्रेंड अप है, सपोर्ट की तरफ डिप मिले तो एक बार इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो फिलहाल एक तेजी देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तरों के आसपास से फिलहाल क्लोजिंग रही है। सचिन है लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर। सचिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैडम नमस्ते। हेलो, हाँ अपना सवाल पूछे। जी मैडम, मेरा मेंथा तेल का सवाल है, मेंथा तेल मेरे पास फिजिकल में है 1 क्विंटल करीब, भाव दिसंबर अंत तक कहाँ तक देखने को मिल जाएगा? ठीक है आस्था, मेंथा की बात कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक भाव कहाँ तक जा सकता है, आपकी सलाह क्या है? आज के सेशन में अच्छी मजबूती है, ऑलमोस्ट 2.25% ऊपर है मेंथा, क्या लगता है आगे की चाल कैसी रह सकती है, खासतौर पर ये एक महीना कैसा रहेगा? मेंथा की बात करें तो तेजी आगे भी इस काउंटर पे जारी रह सकती है, इसीलिए ये बाइंग में अपनी कंटिन्यू रखें, टारगेट रहेगा 1000 शॉर्ट टर्म का, और थोड़ा सा ये मीडियम टर्म वेट करेंगे तो 1050 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अजय, मेंथा को लेकर आपका आउटलुक क्या है? एक अच्छा मोमेंटम आज दिख रहा है।
देखिए अगर टेक्निकली देखिए तो मेंथा ऑयल में एक डेली चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न बन रहा है जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन है। तो जहां तक इनके पास फिजिकल का स्टॉक है तो मुझे लगता है अपसाइड में टारगेट 1100 का रख के चल सकते हैं। एक बार जब भाव 1000 के ऊपर चलना चल पड़ेगा तो 1100 का लेवल आराम से अचीव हो जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर कुछ और मेटल काउंटर्स को देखें तो इनफैक्ट लेड में भी मजबूती है 0.1% की। लेड को लेकर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अजय फिलहाल? देखिए की एक ओवरऑल चाल देखे तो रेंज बाउंड ट्रेड है, हमने पिछले एक महीने में बेस मेटल्स में काफी अच्छा रनअप देखा है, तो एक पर्टिकुलर पोजिशनल पर्सपेक्टिव यहां से कोई एक पर्टिकुलर क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक रेंज बाउंड सेशन है, नीचे में 158 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो ओवरऑल डिप बाइंग आती रहेगी लेकिन इंट्राडे करेक्शंस भी जारी रहेंगे, तो ओवरऑल हमारा व्यू है कि कंसोलिडेशन रेंज जारी रहेगा। तो एक दायरे में रह सकता है, कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। भोलाराम इस वक्त जुड़े राजस्थान से, नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं। मैडम मेरा सवाल गंवार पे है, गंवार इनपुट में क्या आने वाले दिनों में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है क्या भाई? अच्छा ठीक है, आस्था ग्वार को लेकर ये जानना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में क्या भाव थोड़ा नीचे जा सकता है, 0.25% तक की मजबूती आज एनसीडेक्स पर देखने को मिल रही है, क्या लगता है आगे कैसी चाल रहेगी? ग्वार की बात करें तो क्रूड की प्राइसेस से काफ़ी रिलेटेड ये कमोडिटी है और इसीलिए इसमें अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी तेज़ी और यहाँ पे देखने को मिलेगी। 3400 तक के लेवल हमें ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं दिसंबर वायदा में, इसीलिए सलाह रहेगी कि अभी इसमें बाइंग करें। तो अभी इसमें बाय करने की सलाह दी जा रही है। गुरुदेव हरियाणा से जुड़े हैं, गुरुदेव जी नमस्कार, बताइए कौन सी कमोडिटी पर सवाल है आपका? कितना समय लेकर चल रहे हैं, या दिसंबर या उससे थोड़ा समय और है? जी थोड़ा और है जी, दिसंबर के बाद। ठीक है ठीक है, 1 से 2 महीने के लिहाज से समझ लेते हैं। अजय कॉटन को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 1 से 2 महीने के बीच में चाल कैसी रह सकती है? फिलहाल तो कॉटन एक जो एक दायरे में है, नीचे में 18600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, जबकि 19600 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मुझे लगता है अगर एक महीने की बात करें तो एक बार 19600 का लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। अगर भाव इसके ऊपर चल पड़ता है तो डेफिनेटली रिबाउंड स्ट्रांग आएगा, उस केस में हम 20200-20300 तक का भाव देख सकते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट नेचुरल गैस पर भी आपका एक आउटलुक लेना चाहेंगे अजय, फिलहाल नेचुरल गैस का ट्रेंड कैसा लग रहा है आपको? नेचुरल गैस देखिए, जब से नेचुरल गैस ने 202 और 210 ये की लेवल्स पार किए तब से एक बुलिश ट्रेंड इसमें बना हुआ है और इसमें तेजी कंटिन्यू होनी चाहिए, अभी तक रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। जो डिप मिले बिल्कुल बाइंग की सलाह दूंगा, अगर शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात करें तो 231 के आसपास एक इंट्राडे में अच्छा सपोर्ट है, ये डिप पर बाय कर चले, अपसाइड में एक बार 234-235 का रेंज देखने मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो एक स्टॉप लॉस 229 का आपको मेंटेन करना है, साथ ही नेचुरल गैस में 234.50 रुपए तक के टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं अजय। इनफैक्ट अगर मेटल स्पेस में देखें तो कोई पिक आपकी तरफ से कहां पर बाय किया जा सकता है अभी? बाइंग के लिए एक कॉपर प्रेफर करूंगा, कॉपर बिल्कुल अभी सपोर्ट की तरफ फिर से आ गया है इंट्राडे में, 397-396 एक अच्छा जोन है बाइंग के लिए। एक इसमें भी एक रिबाउंड की उम्मीद कर सकते हैं 401 लेवल के 401 लेवल की तरफ, तो कॉपर की सलाह दूंगा अगर बाय करना है तो। ऑलराइट, यानी कि कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 397 के लेवल्स पर। प्रकाश है नागपुर से सवाल पूछने के लिए, प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा एल्यूमिनियम पे सवाल है आस्था मैम से, करंट रेट पे मुझे क्या ट्रेड करना है इंटरडे के लिए, आने वाले 5 घंटों करंट रेट पे बताइए, 2-3 नोट लेने हैं तो करंट रेट पे बताइए। ठीक है, एग्री पर्टिकुलरली कमोडिटीज की बात कर रहे हैं आस्था, आपका आउटलुक क्या है इंट्राडे के लिए, कहां पर बेट करें? एग्री की बात करें तो डेफिनेटली सोया तेल में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि तेजी आगे जारी रह सकती है, 740 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। अखिल है जयपुर से सवाल पूछने के लिए, अखिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल मास्टर शिप पर है, आने वाला फ्यूचर जानना चाहता हूँ। इंट्राडे के लिए पूछ रहे हैं या 1-2 महीने का समय है आपके पास? टिल जनवरी। ठीक है, टिल जनवरी, ऑलराइट, दिसंबर की शुरुआत हुई है। अजय मास्टर चीज को लेकर क्या आउटलुक होना चाहिए 1 से 2 महीने के लिहाज से?
मस्टर्ड सीड हमने पिछले काफ़ी टाइम से सोयाबीन को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो राई तो तेजी की ही दूंगा। इनफैक्ट अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट के लेवल लेकर चले तो 4750 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, तो डिप मिले तो डेफिनेटली बाइंग कर कर चले। अपसाइड में 4950 से 5000 तक के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं जी। चलिए अब रैपिड फायर का वक्त हुआ है। चलिए क्विकली जान लेते हैं, अजय आपकी पसंदीदा चॉइसेस क्या हैं? आज की पहली कॉल MCX सिल्वर पे रहेगी। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में करीब 40,400 की तरफ बाई करें, 40,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट रहेगा 40,850 का। और आस्था आपकी तरफ से कौन सी कमोडिटी पर आप बाय कर रही हैं? नेचुरल गैस में बैंक की सलाह रहेगी, टारगेट रहेगा 238 का। अजय अगर एक और पिक आप जानना चाहें तो कौन सी होगी? सेकेंड पिक M6 क्रूड ऑयल रहेगी। 3390 की तरफ डिप मिले तो बाई करें, 3330 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट में 3480 की उम्मीद कर सकते हैं।